भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई है। कोविड गाइडलाइन से राहत फिलहाल मिल सकती है, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसके संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के अलावा सभी पाबंदियां हटाई जा चुकी है, सत्र के दौरान भी सदस्यों को राहत मिल सकती है। कोरोना संक्रमण के द्वारा के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू फिलहाल लागू है मध्य प्रदेश में। और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसके संकेत दिए हैं कि विधानसभा के सदस्यों को यानी विधायकों को मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के अलावा सभी पाबंदियां हटाए जाने के बाद में थोड़ी राहत मिल सकती है, सत्र के दौरान सदस्यों को राहत मिल सकती है। इसके पहले बजट सत्रों में तमाम विधानसभा के सत्रों में कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना जरूरी होता था। नहीं, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको 100% पालन करेंगे। इनने केवल नाइट कर्फ्यू छोड़कर बाकी रिलैक्स कर दिया, तो हमारे यहाँ नाइट को चलती नहीं, इसलिए कर्फ्यू की आवश्यकता है, पूरा रिलैक्सेशन। नहीं, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको 100% पालन करेंगे। इनने केवल नाइट कर्फ्यू छोड़कर बाकी रिलैक्स कर दिया, तो हमारे यहाँ नाइट को चलती नहीं, इसलिए कर्फ्यू की आवश्यकता है, पूरा रिलैक्सेशन। राजधानी भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, गिरीश गौतम से भी आप बातचीत कर रहे हैं, तस्वीर आपने दिखाई, और ये माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो तो हटा दिए गए, लेकिन फिर भी कितना जरूरी है एहतियात बरतना विधानसभा के सदस्यों को? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर अब कंट्रोल में है, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं। आज की बात की जाए तो सिर्फ 1200 के करीब मरीज सामने आए हैं और 3000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं पिछले 24 घंटे की बात की जाए, और एक्टिव केसेस की संख्या जो 80-90 हज़ार के करीब पहुंच चुकी थी वो 14,000-15,000 के करीब आ गई, और मौतों का आंकड़ा भी गिर रहा है। आज सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। सरकार की तरफ से तमाम जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी उसे खत्म कर दिया गया है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू की बात की जाए सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही लगाई गई है। जब इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष से पूछा गया था कि आप अगले महीने मार्च के पहले सप्ताह से सत्र शुरू होना बजट का, तो क्या कुछ नियम रहेंगे, तो उनका कहना था कि राज्य सरकार ने तमाम पाबंदियां हटा दी हैं, तो हम भी जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी उसको पूरी तरह से खोल देंगे। इसके साथ साथ उनका यह कहना था कि नाइट में हमारे वहाँ कुछ चलता नहीं है, इसलिए नाइट कर्फ्यू की हमारे वहाँ जरूरत नहीं है अलग से नियम बनाने। यानी ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने संकेत दिए हैं कि तमाम जितनी भी कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा था उसमें अब रिलैक्सेशन दिया जाएगा, राहत दी जाएगी। लेकिन जहां तक आपका सवाल था कि कई चीजों के अब भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, अभी जो आंकड़े गिर रहे हैं ये बताते हैं कि हमने एक बार फिर सख्ती दिखाई थी और तमाम चीजों की कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आए थे। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, पॉजिटिव रेट की बात करें तो 2% तक पहुंच गया है, जो 13% के करीब पहुंच गया था। रोड 60,000 से 70,000 के करीब जाँच हो रही है और उसमें से सिर्फ 1,000-1,500 के करीब ही मामले सामने आ रहे, तो ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश में एक तरफ राहत दी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा विधानसभा के सदस्यों को भी। बहुत शुक्रिया शब्बीर बातचीत करने के लिए। तो बजट सत्र में विधानसभा के सत्रों में खास ध्यान रखना होगा कोरोना गाइडलाइन का।